हे गाइस, गुड आफ्टरनून। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, डॉली की बनाई हुई खीर के साथ मुंह मीठा करके और अभी हमने दूसरी चीज मुंह मीठा करवाया था आपको। मिठाइयों से मिठाइयों से घर में भरा पड़ा है। बस सार्थक का कॉल आ गया, वो बस पहुंच गया, गली में अभी आएगा और आपको दिखाएंगे भैया क्या क्या लेकर आया है। सरोजनी से कितनी शॉपिंग करके आया है। कुछ लाया कि नहीं, मेरे लिए तो लाए नहीं, उसको मेरे लिए समझ नहीं आती। हाँ, गर्ल्स का उसको समझ नहीं आती। हाँ, क्यों कभी खरीदा क्या नहीं पता, कुछ लाए भी आया हो, कुछ पता नहीं। मॉल से तो खरीद लेगा। ओए आ गया ये लो, बात करते करते गाइस आ गया ये। अरे वाह, बैग भरा हुआ है। वाह, अरे वाह, ये डोलीमा आंटी के मोमोज लेकर आया साथ में। डोलमा डोलमा क्या नाम है आंटी का? डोलीमा आंटी, और बैग भर के लेकर आ गया। हाय कर दे भाई, इसको अभी अमन का सामान है, अब हमारा सामान निकाल के थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान आया, क्या क्या नहीं आया। पानी पूरी दे दो, पानी खाना, पानी खाना, खाना भी नहीं खाते। तो गाइस, मैं और अमन मेट्रो में आ चुके हैं। हमें पहले करोल बाग में काम था, करोल बाग का हमारा काम हो चुका है, तो हम उल्टी तरफ आ गए थे मेट्रो पे। अब हम जा रहे हैं ठीक तरफ। हम किस तरफ आ गए थे? मजलिस पार्क वाली साइड। अब हम जा रहे हैं, हमने बोला भाई मेट्रो में रॉन्ग साइड नहीं जा सकते, अब हम राइट साइड जा रहे हैं सरोजनी की तरफ, फिर देखते हैं वहाँ से क्या लेंगे। तो गाइस, फाइनली मैं और अमन आ गए हैं सरोजनी। भाई भीड़ देखियो, गाइस भीड़ देखिए। भाई भैया की दुकान से लोअर लिए हैं, दो अमन ने लिए, एक मैंने लिया है यहाँ से भैया की दुकान से। भैया अपनी दुकान का बता दें, आप मंदिर के सामने, ये वाली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है ना। प्राइस पानी बदल लगा तो गाइस, अमन यहाँ से टी शर्ट देख रहा है, देखते हैं अमन को क्या पसंद आती है नहीं आती। तो गाइस, अमन और मैंने कर लिया शॉपिंग। भाई कैसे कम हमने कितने की शॉपिंग करी? 2000 की तो करी ली हमने शॉपिंग। भाई हमने 2000 की कर ली आग लगा दी आज हमने। हम घर से बोल के आए थे, घर से बोल के आए थे सरोजनी लूट लेंगे। भाई हमने पूरा बैग भर दिया। ये देखो भाई, ये बैग लाया था घर से मैं, ये पूरा बैग एकदम फिल हो गया इस वक्त कपड़े ही कपड़ों से। कोई नहीं, बढ़िया है, सही मिल गए एकदम। सही जाके दिखा दियो ना। हाँ, घर लेके आए थे, दिखा देंगे। तेरे भी अपने भी दोनों के? नहीं, सिर्फ दिखा दियो, कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं, ओके। तो गाइस, एक बार ही रश देख लो आप। संडे है और सरोजनी की, सरोजनी नगर पे रश ऐसा है, ऐसा लग रहा है फ्री में मिल रहा है। अमन अंदर सब फ्री में था। गाइस, एक बार ही भीड़ देख लो सरोजनी नगर, मतलब मेट्रो की भीड़ देख लो। हमारा तो पता नहीं, वैसे तो कौन सी वाली मेट्रो पे चढ़े, जो भाई की उस पर ही चढ़ गए। देखते हैं गाइस, जो इसी पे जाना है, हमें इसी पे जाना है। हाँ, और हमें इस वाली साइड ही जाना है। एक बार भीड़ देख लो इस शॉप पर। भैया अब काम को निपटा लिया सारा थोड़ा सा, और ये ब्लैक कपड़ा है मेरे पास, लेगिंग वाला आया हुआ था, एक लैकरा वाला कपड़ा था, लेगिंग्स वाला नहीं, मतलब ट्राउज़र वाला है, लैकरा वाला है। और डॉली बहुत टाइम से कह रही थी मुझे ना एक ब्लैक ट्राउज़र बनवा देना, और शब्बू भैया को मैंने कार्ड से दे दूँ। शिब्बू भैया ने बनानी शुरू कर दी, अभी 15 मिनट के अंदर इसके ट्राउज़र बनकर तैयार हो गई थी, और कटिंग मैंने कर दी थी इसके ट्राउज़र की। मैंने कहा चलो यार, पड़ा हुआ कपड़ा बनवा देता हूँ, लैक और फिटिंग थोड़ी सी आ जाएगी, और बस काम कुम करके यहाँ से निकलने की तैयारी है थोड़ी देर में। थोड़ा बहुत सामान लेना है कल के लिए, और फिर निकलते हैं। करके वाली को बिल्कुल भी नहीं मैंने बताया कि मैं उसके लिए ट्राउज़र बना रहा हूँ, देख के हैरान हो जाएगी। एक्चुअली मेरे पास ना कपड़ा पड़ा हुआ था, पहले मैंने मंगवाया था, ये लैकरा वाला कपड़ा था, ट्राउज़र बनी थी बहुत सारी इसकी लेडीज़, एक ट्राउज़र का पीस ना बच गया था, और मैंने सोचा था डॉली की बना दूँ आज, वो दब गया था कहीं पर और मिला कम से कम 2-2.5 महीने के बाद। मैंने कहा चलो आप शब्बू भैया खाली बैठे हुए हैं, शब्बू भैया बना लेंगे, बस बन गई है ट्राउज़र। लेगिंग जैसे ट्राउज़र बना ली, शॉर्ट वाले, एंकर लेंथ वाली, और वैसे भी ब्लैक है अच्छे कपड़े के अंदर, है ढूंढने जाओ तो बड़ी महंगी मिलती है। ये बन गई है डॉली के ट्राउज़र, तैयार हो चुकी है, और अभी मैं बस जा रहा हूँ मार्केट स्टील वाला वो देखने के लिए। डॉली का फ़ोन आ गया, करे स्टील वाला टॉप ले आना, और क्योंकि वो ना फिर चाहिए होगा अगर गणपति जी हमारे घर पर आएंगे तो, फिर पूड़ी वगैरह बेलने के लिए या चॉपिंग करने के लिए वो चाहिए रहेगा, उसके लिए वो सही है, सरफेस अच्छा बन जाता प्लेन वाला। तो बस अब मार्केट में निकल रहा हूँ मैं। भाई रास्ते में जा रहा हूँ, कम से कम 15 मिनट हो गए इसको देखते देखते।
आतिशबाजी। मैं अभी अभी आया था शॉप से और हमारे भाई साहब ये बैठे हुए पीछे पढ़ाई कर रहे हैं भैया आज। हाँ जी पढ़ाई कर रहे हो भैया, क्यों आज खेलने गए नहीं प्रैक्टिस करने? अच्छा अभी जाओगे, चलो पानी वानी दे दो भैया उनको, पानी दे। क्या बनाया तेरी मम्मी ने आज? किसकी? घिया की सब्जी, टॉर्चर। तू खा लेगा? तो गाइज अभी मैं रास्ते में से आ रहा था, इतना जाम लगा हुआ था, 15 मिनट तक एक जगह पर आतिशबाजी होती रही है, इतना पटाखे जला रहे हैं, 15 कम से कम भी ये समझ लो कि 15 मिनट लगातार पटाखे जलते रहे हैं भाई। मैरिज थी किसी की, शादी थी भाई, अब इतनी गर्मी में एक तरीके आज बेटे शादी होती है तो वो जलाते हैं ना, वो अपना अगला शादी हो रहा है हो रही है उसको खुशी है, अभी थोड़ी खुशी है, अभी थोड़ी बाद फिर गम होगा। तो गाइस काफ़ी तेज आतिशबाजी हो रही थी भैया, बहुत तेज, और मैं तो फिर दूसरी साइड से आ गया। और गाइस बस अभी एक गड़बड़ हो गई है, डॉली की जो ट्राउज़र बनाई थी ना वो हो गया उन्होंने पूरी शॉप पे, और अब डॉली को कल मिलेगी वो, क्योंकि एक्चुअली मैं जैसे निकला हूँ वहाँ पे कोई कस्टमर आ गया था, वो बैग था, वो बैग फिर शॉप पे भूल गया। मैंने शॉप आधी बढ़ाई थी, किसी कस्टमर के कपड़े थे डिलीवरी के लिए, वो कहते भैया प्लीज़ आप दे दो, हमें सुबह निकलना है, हमारी ट्रेन है। मैंने कहा भाई अब कई बार कस्टमर को नहीं है लास्ट टाइम में याद आता है, और तभी करके उनको फिर कपड़े वगैरह सारे देते देते वो बैग मैंने वहाँ पर रखा, वो देखते देखते भाई दिन की चल रही है प्रैक्टिस जोरों शोरों से। हार गया काकू आज, आज काकू हार गया। कैसे कर रहा है तू, ये सर्विस कैसे दे रहा है, ढंग से खेलो। कहा साथों को कितना पसीना पसीना रखा है, हार गया काकू कहीं हार गया, अरे गई 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 काकू गया आज, तुम लोटपोट है बेटा तेरे खेल आज। बाहर घूम रहा था, खाना खा लिया था, मेरे बच्चे खेल रहे हैं साथ में, और साथ तक लेके आया एसएन से मेरे लिए लोअर है, मैंने डाला हुआ है, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें लेकर आया। हाँ स्मैश मार दी कोई बात नहीं, और डॉली बैठी हुई है घर पर, मैंने कहा चलो बच्चे गली के बाहर ही है बस, यहाँ पर ना लाइटें सही लगी हुई हैं हमारे यहाँ पर गली के बाहर, और हवा भी आज क्या मस्त वाली चल रही, पीछे देखो पेड़ क्या मस्त वाला हिल रहा है। बस अभी जा रहा हूँ घर पे, फिर मिलता हूँ आपसे। खेल कर आ चुके हैं और बैठ गए हैं सार्थक, क्या क्या चीज़ें लाया जी, देख रही है बस की माता जी, माता जी हाँ, शॉर्ट है। इसको मैंने 1000 रुपीज दिए थे, उसमें से ये 125 रुपये बचा कर आया है। हाँ 200 से कम टिकट भी तो लगी थी तेरी है ना, 100-125 रुपये बजे 150 बज गए होंगे। तो गाइस ये कितनी चीजें लेकर आया दिखा देते हैं, ये 850-900 के बीच बीच में है। एक तो ये शॉर्ट्स लेकर आया, ये वाला ये तो पापा का है, और एक टी शर्ट है ये वाली लेकर आया है, ये बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डालने के लिए घर पे, नाइट वाले कपड़े भाई ठीक है ये सही है। टी शर्ट ये कितने की है? 200 रुपये के, एस एन मार्केट से सरोजनी। मैं तो खैर गया नहीं कभी, ना डॉली गई ना मैं गया, कोई भी नहीं गया। अच्छा ना आपको पता लग गया आपका बच्चा आपका शॉपिंग करने लग गया है। गाइस ये पहली बारी भैया इतनी सारी चीजें इकट्ठी लेकर आया है, ये मॉल जाके ही या मतलब ऐसे वो तो जा रहा है, मुझे पता है मॉल में तो दिखाइयो दिखाइयो कपड़े पसंद आ जाते हैं, दिखाइयो नॉर्मल कपड़ा। ये काकू का शॉर्ट्स है खेलने के लिए, नाइकी का लोगो बना हुआ, वेरी गुड भाई सही है। ये कितने का है? काकू को पसंद आ गया 150 का वहाँ भैया, ये मेरे लिए लेकर आया, तो ये अपने लिए लाया था पर ये मेरे को फिटिंग नहीं आई थी। एडिडास का लोअर है, सही है ठीक है, ये इसको फिटिंग नहीं आई, वैसे तो अच्छा है वही वहाँ पर इतनी डॉली वहाँ पर, पता क्या मेरी बात सुन, सरोजनी के अंदर जो कान के झुमके 30 रुपए 50 रुपए, हाँ और लेडीज का था, और परफ्यूम कहता 3000 के परफ्यूम, एक एक बोलो, एक बंदा कह रहा था कि परफ्यूम आन नकली वाला 3000 का कह रहा था ना, फिर ना दूसरे वाले को ना 200 कह रहा था, मैंने बोला भैया आप तो 100 कह रहे थे, कह रहा है आप 100 दे दो, तो ना फिर ना 3000 का परफ्यूम 100 रुपए, फिर ना सुंगाया उन्होंने मतलब, पर ना अमन कहता है कि शैम्पू मिक्स करते हैं उसमें, हाँ वो तो उसी वक्त स्मेल होती उड़ जाती है, ले आप स्मेल थोड़ा आ रही होगी, बहुत हल्की है नहीं है तो सही अभी भी है, पर पता नहीं मैंने वो परफ्यूम खत्म हो गया, बट कोई नहीं पागल है क्या, परफ्यूम शर्म ऐसी फेस पे लगाने वाली चीज वो उसका तुम मंगवाते रहे पहले, कौन सा भैया से मंगवाऊंगा अपने दोस्त से, हाँ ठीक है उन्हीं से मंगा ले, वो बड़े है ना बड़े तो भैया बोलते, दोस्त भी भैया दोनों चलता है, चल कई बार दोस्त बोल देते हैं, हम भी चल जाएंगे एक बार देख के आएंगे, बच्चों को जा भेज देते हैं, साइज का चल गया
जैसे लोअर में वहाँ पर पर्स है 300 रुपए के पर्स है, इतने शानदार मिलते हैं। नहीं पर्स 150 रुपए से लेके बहुत सारे हैं। 50 रुपए की पर्स होते हैं। नहीं फ्री में नहीं मिलते। एक स्वेटर में फ्री भी 50 से लेके 300-400 के तक के रहते हैं अच्छे वाले। एक स्वेटर बहुत अच्छा दिख रहा था वहाँ पर। एक ही बात तो रो रहा है कि मैंने स्वेटर में छोड़ा ही तो लेके आए थे। पेटीएम में पैसे पड़े थे, मैंने सोचा कि अभी नहीं डालना, फिर याद आया डॉली। इसके पेटीएम में पैसे थे, मैंने 1000 कैश इसलिए दिए थे। कई बार कोई पेटीएम नहीं लेता, कई लोग नहीं लेते। मैंने कहा चल तू ले जा, पेटीएम में भी पैसे पड़े हैं, अगर चाहिए तो और ले जाता। मासी को भी होता है और मुझे क्यों नहीं लेके गया, मेरे को भी ले जाता। मासी के साथ जाओ। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। और डॉली कह रही कि भैया मेरा जो ट्राउजर बनाई थी फिर भूल कैसे गए, मेरे का कोई कस्टमर आया और मैं भूल गया। वो क्या ये कह रही कि आप जान मुझ के कहीं पर छुपा के रखी हुई कहीं पे। डॉली से एक बात छुपाई है, एक चीज़ छुपाई हमने, अब ये नहीं समझ आ रहा है। डॉली परेशान हो रही है कि क्या चीज़ छुपाई है तुमने। मैं इसको अब ये इसको यकीन नहीं आया, इसने काकू को भेजा नीचे स्कूटर की जाके डिक्की देख के, कहीं पापा वहाँ पे तो मजाक तो नहीं कर रहे। हाँ तो मजाक क्या, मतलब अब तुम सामान ला ला के पहले छुपा छुपा के रखते थे कमरे में, कभी कहीं पॉलिथीन में, कभी कहीं उसके पेटी के नीचे, सोफे के नीचे। यार हर बार एक जैसे नहीं होता ना, वैसे बंदा टेंशन में होता है, भूल गया। अब डॉली को विश्वास नहीं रहा मेरे ऊपर, डॉली का विश्वास टूट गया। एक ट्राउजर ने तोड़ दिया, दिखाया भी सबूत है और मैंने इसको वीडियो भी चेक करा दी है। तो मैंने तेरे ट्राउजर बनाई थी, मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था और बड़े टाइम के, बहुत अच्छा बनाया मिला था फैब्रिक। तो कल डालेगी भैया, देख लेना आप, कल दोपहर में जाऊंगा, मतलब दोपहर में आएगी, जब काकू को लेकर आऊंगा तब आएगी। तो क्या पता उससे पहले ही हम चलो एरोप्लेन लेके जा रहे हो। तो गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और सार्थक के जो मतलब टिकट वगैरह सारी कंफर्म हो चुकी है वैष्णो देवी जाने की, कश्मीर जाने की। और इसके अंदर क्या कहते हैं, माता रानी का जो भवन है ऊपर, वहाँ के रूम बुक नहीं हुए। आज साइट खुली थी उनकी और वो पूरे बुक हो रखे थे, कोई भी नहीं थी वहाँ पर। भैया है जम्मू में, हमारे मेरे कस्टमर है, शायद वो ब्लॉक में भी आए। बात की थी, हाँ मैंने बात की है। वो भैया कहते कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगा, टेंशन रखते होंगे हम, है ना। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।